वेलकम बैक गाइस। सो यहाँ पे आई एम ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टेक्स्ट बुक का है ये, आई एम गोना रीड दैट। मैं आपके लिए फॉर्मेट बना रहा था। अपन ने सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कर लिया है, फर्स्ट हम लोग बाद में करने वाले हैं। आई एम ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन गाइस, स्टार्ट करते हैं। सुचेता लिमिटेड इश्यूड 20 लाख, गाइस क्या लिखा है, 20 लाख रुपीज का, 20 लाख रुपीज है, बराबर है। अ न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 रुपी ईच, मतलब 20 लाख रुपीज है मेरे पास में एंड 100 रुपी का वन शेयर है। गाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा भी सही है ना, सो आई एम जस्ट आई एम टेलिंग। एक मिनट, मैं पहले यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट बना देता हूँ। सर अपना एक कहानी, अपने एक तो लास्ट टाइम वो जो फॉर्मेट लिया था अपन ने बनाया था, पता नहीं कहाँ स्टोर करके रखा है, अपने को बनाना पड़ रहा है, ये बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, एंड बाजू में वर्किंग बना देंगे हम, ठीक है ना। ओके ओके यहाँ पे डेट वेट लिखना है। मैं यहाँ पे अब छोटू सा वर्किंग नोट बना रहा हूँ गाइस, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना नहीं है वर्किंग नोट के ऊपर, जस्ट कैलकुलेशन से अपना। मैं क्या बोलता हूँ कि आई एम हैविंग 20 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल एंड एक शेयर जो मेरा है ना गाइस वो कितना है, 100 रुपी का। सो एम आई ट्राइंग टू टेल यू 0000 गेट्स कैंसिल, सो आई एम हैविंग द शेयर्स ऑफ वैल्यू 20,000, नॉट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इज 20,000, मतलब मैंने इश्यू 20,000 किया है, इश्यू ही है ना ये। लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन, अरे हाँ यस इश्यू है, इश्यू 20,000 रुपीज का न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 इज दैट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब कि 100 रुपया मैंने कॉल किया है बट मैं उससे 100 रुपया नहीं मांगने वाला। मैं क्या बोलूंगा, ए भाई मेरी कंपनी की औकात है, दे मेरे को 20 रुपीज एक्स्ट्रा, है भाई व्हाट है, टेंशन नहीं है। पेएबल एज फॉलोस, 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 on allotment and 10 on and 10 premium. Guys, have a look at this. अपन बना के चल रहे हैं यहाँ पे। मेरे पास में 100 रुपी है, मैं उसको डिवाइड करने वाला हूँ एप्लीकेशन पे, मैं पैसा कितना ले रहा हूँ, 10 रुपी। द नेक्स्ट स्टेज इज अलॉटमेंट स्टेज, अभी आपको वो मेरा शॉर्टकट मालूम पड़ने लग गया ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। देखो मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था मैं फुल फॉर्म लिखूंगा, बट लेट मी कम टू द क्वेश्चन, वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, दैट इज का शेयर का अमाउंट एंड 10 प्रीमियम। गाइज मैंने क्वेश्चन बराबर से पढ़ा है, सो 100 रुपी का शेयर है, 20 रुपीज प्रीमियम है, दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, करेक्ट ना। 40 ऑन एप्लीकेशन, 10 अगेन एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन गाइज, एंड 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम। सो गाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास में 3 कॉल्स है, द लास्ट कॉल इज फॉर फाइनल कॉल, हाँ, बट 50 जो है ना गाइस शेयर का है, 10 रुपीज द प्रीमियम, मतलब टोटल में कितना रुपया इधर मंगवाने वाला हूँ 50 एंड यहाँ पे टोटल मंगवाने वाला हूँ 60। सो अगर आप लोग बराबर से देख रहे हो ना गाइस, लिसन टू वेरी केयरफुल, यहाँ 10 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, सो 10 एंड 50 60, अगेन 60 विद द प्रीमियम 60, 120 हो गया ना, है ना। चलो अभी मैं ऐसे तुमको समझा रहा हूं, 10 एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट, 50 फाइनल कॉल, 100 हुआ और 10 प्रीमियम ना यार, हुआ ना 120। जैसे तुमको मजा आता है तुम वैसे समझो उसको, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। चलो एकदम झकास लोगे तुम लोग, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी इसमें, लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 5 ना गाइस, जर्नल ऑफ सुचेता, आपको यहाँ पे सुचेता लिखना है। अरे यार इसका फिर से नाटक चालू हो गया,
अच्छा अभी तो क्वेश्चन ही रीड किया है बॉस, अभी तो और बाकी है. द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब. गाइस 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 क्या बोला है, द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब. मतलब क्या, आपको मैं लास्ट टाइम भी जब क्वेश्चन का तो भी बताया था ना मैंने, ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है. दैट मैंने शेयर इश्यू किया है 100, मुझे एप्लीकेशन आया 110 का. मतलब मैं 100 शेयर लेके खड़ा हूँ भाई, बट लोग है ना लाइन में खड़े, बोला भाई मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो. मैंने टोटल किया ना तो कितने लोग खड़े थे, 110 लोग खड़े थे. सबको तो मैं शेयर दे नहीं पाऊंगा ना यार, है ना. आई एम हैविंग ओनली 100, मुझे देना है 110. अगर आप लोग को याद रहेगा मैं वड़ा पाव का एग्जाम्पल दिया था, उस टाइम भूख भी बहुत लग रही थी अपने को. तो 100 वड़ा पाव मेरे पास में, 110 लोग डिमांड कर रहे, सब लोग को दे नहीं सकता, है ना. इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब. तो हैव अ लुक एट दिस. द शेयर द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंड ऑफ 26,000. मतलब मेरे पास में शेयर कितने हैं, 20,000, और मेरे को सब्सक्रिप्शन एक्चुअली आ चुका है कितने का, 26,000 का. द एप्लीकेंट फॉर 2,000 वाज सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट. जिसको रिग्रेट का लेटर सेंड करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, भाई हमको माफ करो, हमारे पास में शेयर्स नहीं, हम तुमको नहीं दे पाएंगे. एंड सिर्फ लेटर नहीं भेजेंगे हम लोग उसको, क्या बोलेंगे, भाई सॉरी, और तुम्हारा पैसा भी रिफंड ले लो. तो जब भी लेटर ऑफ रिग्रेट दोगे ना, तभी आप क्या करोगे, उसको रिफंड दोगे. क्या करोगे आप भाईजान, रिफंड दोगे. ओके एंड देखो क्या बोला है. एंड द मनी वॉज रिफंडेड. द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन द प्रो राटा बेसिस. गाइस आपको प्रो राटा लास्ट टाइम भी समझाया था मैंने, एक बार फिर से आपको रिविजन दे रहा हूं मैं. प्रो राटा बेसिस इज, आपने मेरे पास में 10 शेयर्स का एप्लीकेशन दिया है, मैं तुमको 10 शेयर्स नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 8. तुमको मैं डायरेक्टली ना बोल दूं या तुमको थोड़ा कम दूं चलेगा ना. अभी देहरादून अभी 10 लोग खड़े हैं यहाँ पे, अगर मैं उसको बोलूंगा कि भाई तुमको नहीं दे रहा, मैं बुरा लग जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम आएंगे नहीं. तो हम लोग सब लोगों को क्या बोलते हैं, भाई थोड़ा 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 सबको दो, सब खुश. आप लोग किसी से दुश्मनी नहीं मोड़ने गए, अपने पास में शेयर ही 100 है. अभी भाई का व्हाट है, मार्केट के अंदर लोग ले रहे शेयर, तो भी क्या करूं यार मैं, है ना. मैं एकदम राउडी नहीं हो गया डाउन द लाइन, है ना. ऐसा है, मेरे को लगता है थोड़ा वेब सीरीज देखना कम करना पड़ेगा, मिर्जापुर वाले, एंड थोड़ा सा डिसेंट वेब सीरीज देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बन जाएगा. नेक्स्ट टाइम टाई वाई पहन के बैठेगा मैं. ओके सो आई एम गोइंग टू गिव यू 10 शेयर्स के बदले सिर्फ 8 शेयर्स, एंड बाकी का 2 शेयर का पैसा मैं एडजस्ट करने वाला हूँ, ठीक है. ये आपको पता ही है, उसके एंट्रीज भी आपको लास्ट टाइम कराया था. अभी आज मैं सिर्फ उसका फटाफट से आगे पोस्टिंग करके आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ऑल दी मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव. मतलब कि मैंने पूरा पूरा पैसा क्या कर दिया है, रिसीव कर दिया है. ओके चलो, तो अपने को 3 एंट्रीज पास करनी है, 6 एंट्रीज बेसिकली, 3 स्टेजेस, 6 एंट्रीज और एक एक्स्ट्रा एंट्री फॉर योर एडजस्टमेंट एंड रिफंड क्विकली. क्वेश्चन ये रहा मेरे पास में, मुझे अभी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, बिकॉज सब कुछ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे. थोड़ा सा और सिस्टमैटिक लिखने के लिए आई विल टेल यू वर्किंग नोट नंबर 2. सब्सक्राइब इज 26,000 शेयर्स, करेक्ट ना, माइनस एप्लीकेशन जो हम लोग ने इश्यू किया था वॉज ओनली 20,000, सो आई एम हैविंग एन एडिशनल ऑफ 4,000 शेयर्स, सॉरी 6,000 शेयर्स. एंड 6,000 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2,000 रिफंड, एंड द रिमेनिंग 4,000 एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट इन द अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में इतना पैसा हम लोग उसको क्या करेंगे, कम मंगवाएंगे. चलो क्विकली नंबर फर्स्ट एंट्री. गाइस मेरे को अभी वो नहीं लिखना है कि एप्लीकेशन स्टेज अलॉटमेंट है, जो रिसीट है, ट्रांसफर है, है ना. अभी बड़े हो गए अपन, डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज द रिसीट एंट्री एप्लीकेशन के अंदर, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. देखो मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ पूरा पूरा, देख रहे हो आप, ऐसा सुधर गया है. मैं यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसमें शॉर्टकट मार सकता हूँ मैं, ठीक है. और जो भी रेड पेन से लिख रहा हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है. गाइस कहना इसे मैंने 26,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव किया है, एंड 10 रुपीज आई एम आस्किंग ईच
शेयर होल्डर, करेक्ट ना? सो आई एम रिसीविंग हाउ मच, 2,60,000। जो भी रेड पेन से लिख रहे हो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, एग्जामिनेशन में अभी आप लिख सकते हो। सेकेंड एंट्री क्या करोगे आप, ट्रांसफर करोगे यही एप्लीकेशन का मनी टू द शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर्स ही मैं रख सकता हूं ना अपने पास में बच्चे, बाकी का पैसा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफंड एंड एडजस्ट। क्या बात है यार, चलो। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द अमाउंट विल बी 2 लाख ना, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10, इतना ही रख सकते हो आप बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, एडजस्टमेंट एंड अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट एंड रिफंड। अपन ने लास्ट दो क्वेश्चंस में देख लिया था व्हाट इज द रिफंड का एंट्री, आज अपन देखेंगे रिफंड का भी एंड एडजस्टमेंट का भी, करेक्ट है ना? स्टार्ट ऑफ द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब मैं इतना पैसा अलॉटमेंट में कम मंगवाने वाला हूं। कहना इसे 2,000 शेयर्स का पैसा 10 रुपया कम रिफंड करने वाला हूं एंड 4,000 का 10 रुपीज में रिफंड करने वाला। डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना? करेक्ट है ना? एकदम परफेक्ट गाइस। चलो अमाउंट्स लिख दें हम लोग यहां पे, 60,000 आ जाएगा गाइस, 20 रिफंड कर लेंगे हम लोग, 40,000 को हम लोग बोलेंगे कि भाई तुम क्या करो, एडजस्ट हो जाओ, करेक्ट है? चला पुड़े नरेशन, आपको हर बार लिखना है बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड। क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 4। नाउ वी विल स्टार्ट विद योर अलॉटमेंट स्टेज। ट्रांसफर एंट्री क्या आएगा, ट्रांसफर एंट्री फटाफट बोलो मेरे को, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो मैं शॉर्टकट में फिर से आ गया, ये क्या तुम लोग है ना मेरे को एकदम स्लो देते हो ना इसके लिए। ओके सो आई एम हैविंग हाउ मेनी शेयर्स गाइस, 20,000 शेयर्स है। बचे, देखो मैं फिर से वही मिस्टेक कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन जैसा, प्रीमियम का पैसा तो लिखा ही नहीं अपन ने। है ना, हैव अ लुक एट दिस, मेरे पास में अलॉटमेंट पे 40 रुपीज शेयर का है एंड 10 रुपीज प्रीमियम का है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहां पे देखो ना, फिर 40 रुपीज शेयर का 10 रुपीज प्रीमियम का। सो आई एम गोइंग टू आस्क हिम फॉर टोटल, बच्चे क्या मैं बोल सकता हूं 50 मल्टीप्लाई बाई 20,000, 10 लाख बोल दूं मैं, मेरा जीरो एकदम कड़क है बेटा, या जीरो है ना, अपन भी यार हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो 10 लाख रुपीज मुझे आना चाहिए गाइस, कितना आना चाहिए, जिसमें से 8 लाख तो मेरा शेयर का अमाउंट है। अच्छा, हाउ एम आई गेटिंग दिस आंसर, लिखना पड़ेगा 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट्स द आंसर, करेक्ट है, एकदम सही है तुम लोग। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क देम फॉर 8 लाख्स एंड 2 लाख्स, 10 लाख्स, करेक्ट है? द नेक्स्ट एंट्री इज बहुत जबरदस्त, मैं पैसा रिसीव करने वाला हूं। सो द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट गाइस, क्या मैं बोल सकता हूं मुझे 10 लाख रुपीज मंगवाना है? अभी एक मिनट के लिए शांति से चुपचाप बैठ के देखो, यहां पे आप अगर मेरे साथ में लिख रहे हो तो 2 मिनट रुक जाओ, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है? सो 10 लाख का मेरे पास में पैसा आना चाहिए, बट मैं ऑलरेडी कितना ट्रांसफर करके रख चुका हूं यहां पे अलॉटमेंट में, 40। मेरे पास एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा था, मैंने वही पैसा क्या कर दिया, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। सो मैं अभी ये 40,000 नहीं मंगवाऊंगा, बिकॉज मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। मैंने लास्ट टाइम आपको जब भी वो एंट्री समझा रहा था तभी मैंने बताया था आपको दैट इफ आई वॉन्ट टू टेक 10 रुपीज फ्रॉम यू एंड आई हैव टू पे यू 15 रुपीज, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तू तेरे 10 रुपए तेरे पास में रख, मैं 5 रुपए लेके आ रहा हूं। मेक सेंस ना? मैं आपके पास आऊंगा, आपको 15 दूंगा, आप मुझे 10 दोगे, क्या मजाक चल रहा है यार? आप बोलोगे सर एक काम करो, 5 रुपए छुट्टा देके लेके आना और देके आना, खत्म करो बात को। सो मेरे पास तुम्हारा पहले से पड़ा हुआ है ना एप्लीकेशन का पैसा 40,000, तो थोड़ी मंगाऊंगा आपसे। इट्स तो स्टूपिड कि मैं तुमको 40,000 देना हूं फिर अगले महीने फिर से तुमसे 40,000 लेने आऊं। नहीं लेना है मेरे को तुमसे पैसा, करेक्ट है? मैं क्या बोलूंगा, चले इतना पैसा तेरा मेरे पास पड़ा हुआ है, बाकी का काट के दे दे मेरे को। दैट्स हाउ द डीलिंग विल बी। डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना? सो हैव अ लुक एट दिस। तो बैंक में मेरे पास कितना पैसा आएगा, 10 लाख माइनस 40,000, यस और नो? सो हाउ मच अमाउंट विल आई बी रिसीविंग? अरे लवली हो तुम यार, 9,60,000। चलो डन हो गया ब्रो। नेक्स्ट स्टेज इज योर फर्स्ट कॉल स्टेज। सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री। चलो बताओ मुझे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। भूल गए क्या? मैं क्वेश्चन नहीं भूलता, तुम लोग भूल जाते हो गाइस। हैव अ लुक एट दिस। फाइनल कॉल पे मैं कितना पैसा मंगा रहा हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मैं मंगा रहा हूँ 50 रुपया एंड 10 रुपया, दैट इज गोइंग टू बी 60 रुपीज टोटल। मैंने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल, आप फर्स्ट कॉल लिखो, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा। एक काम करते हैं, राइट है फाइनल ओनली, करेक्ट है? चलो मुझे बताइए, 50 रुपया आएगा 20,000 शेयर्स पे, 10 रुपया आएगा 20,000 शेयर्स पे, तो कितना हो जाएगा ब्रो, 60 आएगा 20,000 शेयर्स पे। चलो बताओ मुझे, नहीं मैं बताऊँ क्या, भाई बताएगा? जब बड़े बड़े कैलकुलेशन मेरे से ही होएगा लगता है। 10 लाख और यहाँ पे कितना बची, जबरदस्त हो तुम। चलो नेक्स्ट एंट्री खत्म करते हैं। फाइनल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें कोई कॉल सिनेरियस नहीं है, पूरा का पूरा 12 लाख आ गया। छह गाइस, नरेशन लिखना प्लीज मत भूलना। चला पुड़े, टोटल टोटल बराबर दूसरा पेज गया, तो आपको कैरी डाउन बॉट डाउन करना पड़ेगा गाइस। तो कितना आएगा इसके अंदर, एंट्रीज में आएगा 2 लाख प्लस 2 लाख, 4 एंड 10 इज 14, ठीक है टोटल जो भी होगा वो लिख लेना यार आप, मैं टोटल नहीं कर रहा, ठीक है? चलो तो ये आपका क्वेश्चन है गाइस। आप लोग अगर मेरे साथ में लिख रहे थे तो आपका हो चुका होगा, नहीं लिख रहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हैव अ लुक एट दिस। मैं वेट नहीं कर रहा आपका, एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है, पेज नंबर 342 या 343 है, तो आप वहाँ पे देख लेना, अपना यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक में ही है। मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये है, आप एक बार पॉज करिए वीडियो को और लिख लीजिए, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करो लिख लो, फिर से एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करो लिख लो। अच्छा मैं चाहिए तो आपको हट जाओ यहाँ से, फुल स्क्रीन दिखा दो एक बार, ठीक है? आप पॉज करो और लिख लो, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से फिर से, चलो पॉज करो लिख लो, अगेन पॉज करो राइट इट डाउन, एंड द लास्ट वन पॉज एंड राइट एंड यू आर डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर,